सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। रोटरी क्लब मुंबई डाउनटाउन सीलैंड की ओर से वाशिनाका में मुफ्त चिकित्सा शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 400 विभिन्न प्रकार के रोगियों की जांच अनुभवी डॉक्टरों द्वारा की गई, साथ ही कई रोगियों को मुफ्त दवा और चश्मा भी दिया गया। इस अवसर पर काउंसिल ऑफ रिपब्लिक ऑफ केनिया के जनरल आर ए गोइनका, एमजी डायरेक्टर जी एल मोदी और क्लब के अध्यक्ष नरेंद्र सेनोई आदि मान्यवर मौजूद रहे। वाशिनाका के अग्रवाल हॉल में रोटरी क्लब मुंबई डाउनटाउन सीलैंड द्वारा आयोजित चिकित्सक शिविर में माधोबाग क्लिनिक के अनुभवी चिकित्सकों ने विभिन्न प्रकार के मरीजों की जांच की। इसके अलावा डायबिटीज और शुगर जैसे जानलेवा रोगों से बचने के लिए एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाया गया, साथ ही स्वस्थ रहने के लिए योग से संबंधित जानकारी भी दी गई। वहीं हड्डियों से जुड़ी बीमारियों, आंखों की जांच, डायबिटीज, शुगर, ईसीजी, ब्लड आदि की जांच भी की गई, जहां मौजूद लोगों को डॉक्टरों ने खान पान पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इस जांच में वाशिनाका के शरद नगर, इस्लामपुरा, पटेल नगर, अग्रवाल कॉलोनी और लक्ष्मी नगर के लोगों ने इस चिकित्सा का लाभ उठाया। इस मौके पर रोटरी क्लब के कई सदस्य भी मौजूद रहे। वो गए 4 साल से कर रहे हैं और हमारी क्लब जो है साउथ मुंबई में तो सीपीआरए ग्राउंड्स और कोलाबा में जो है बताएंगे आपको, वहाँ पे हर साल हमारे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है ये। वैसे मेडिकल कैंप के अंदर इनकी जो चेकअप्स होते हैं, फ्री दवा होते हैं, आई चेकअप होते हैं, उनकी जो मोतीबिंदों के ऑपरेशन होते हैं, इनको चश्मा दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल फंडेड बाय आवर क्लब। देखो, हम एजुकेशन फील्ड में भी हम कई लोगों को हेल्प करते हैं। नाउ इट इज़ नॉट दैट वी आर ऑलवेज डूइंग चैरिटी, लेकिन हम लोग अभी ई लर्निंग जैसे है हमारे क्लब का, तो ई लर्निंग आजकल बहुत बड़ा मतलब ये हो गया है। तो हमारी हम लोग ने पालघर डांडो में मोर देन 120 क्लब्स हम लोग ने ई लर्निंग किट्स दिए हैं, जिसके ऊपर स्कूल्स के अंदर 120 स्कूल्स के अंदर हमने दिए। सिमिलरली अभी चेंबूर में भी हम करना चाहते हैं। और इसके अलावा टॉयलेट ब्लॉक्स हमने बनाए भिवंडी में, एक दीवानमल पाड़ा बोल के छोटा सा आदिवासी गांव है, वहाँ हमने हमारे ग्लोबल ग्रांट और हमारे क्लब के पैसे से हम लोग ने 46 टॉयलेट ब्लॉक बांधा था। तो वो हमारा क्लब के साथ रोटरी क्लब ऑफ आइसलैंड का भी उनका हाथ था, तो ये सब हमने किया। और इस टाइम वाटर प्रोजेक्ट करते हैं। आप देखो अभी यहाँ पे आज कैसे चल रहा है, आप देखो हम एक जगह पे बैठे हैं, हमारे डॉक्टर्स आए हैं, सबको चेकअप कर रहे हैं, फ्री चेकअप हो रहा है। और जहाँ पर इनको समझो कुछ इनको बाहर करना पड़े तो हम इनको बताते हैं आपको भाई फलाना फलाना हॉस्पिटल में एडमिट होना है, क्योंकि अभी ये लोग डायबिटीज़ रहता है, इनको पता ही नहीं रहता जब तक इनकी आँख, इनकी फीलिंग सब चले जाते, बाद में पता चलता है कि इनको सीवियर डायबिटीज़ है। तो ये कैंप है, डायबिटीज़ अवेयरनेस भी होता है, और हम जिनको ज़रूरत पड़े कई जगह पे हम इनको भेज देते हैं अलग हॉस्पिटल। डिपेंड अपॉन द क्या प्रोजेक्ट है उनके पास में, प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो प्रोजेक्ट को देख करके हम लोग उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो रोटरी क्लब जो है खाली गरीबों के लिए काम करती है, किसी और के लिए नहीं। ऐसे तो राउंड क्लब है, लायंस क्लब है, बहुत सारे क्लब हैं, आपके क्लब में स्पेशलिटी क्या है? हमारी जो रोटरी क्लब है वो 1922 में चालू हुई थी अमेरिका चिकागो में। आज दुनिया से पोलियो ख़त्म कर दिया, वो खाली रोटरी ने किया। पोलियो इतनी भयंकर बीमारी पूरे वर्ल्ड से ख़त्म कर दी, एक दो केस बचे हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बाकी पोलियो ख़त्म कर दिया। इससे बड़ा अचीवमेंट और कुछ नहीं हो सकता। अभी जो काम कर रहा है वो स्वच्छ भारत पे काम हो रहा है इंडिया में। मैं राम अवतार गोयनका, मेंबर ऑफ द रोटरी क्लब ऑफ डाउनटाउन सीलैंड, आल्सो आई एम आल्सो ऑनरी कौंसिल जनरल ऑफ कीनिया इन मुंबई। 1990 से मैं रोटरी में हूँ। 1990 में हमारा ये क्लब बना, सीलैंड क्लब। फिर हम दो क्लब अब जॉइंट होकर के, अभी 2 साल पहले से ये जॉइंट होकर के रोटरी में बहुत अच्छे अच्छे काम, बहुत ग्राउंड लेवल के ऊपर, बहुत लोगों में। और रोटरी में ये मानना है कि जो पैसा आता है वो 0 पैसा खर्च हुए हम जनरल पब्लिक तक पहुंचाते हैं। जैसे आज ये आई कैंप लगा हुआ है, आई कैंप में हमारा
कार्यकर्ताओं का एक पैसा खर्चा नहीं है, वॉलंटरी सबके सब काम कर रहे हैं। जितना पैसा आया उससे ज़्यादा पैसा, उसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन हम इस जगह में कर रहे हैं। और कीनियंस अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए मैक्सिमम इंडिया में आते हैं, तो इंडिया में आ करके अपने, यू वॉन्ट बिलीव, कीनियंस हैं मुंबई में, यू गो एनी हॉस्पिटल आपको दो चार कीनियंस मिलेंगे। जय श्री शेनॉय, रोटेरियन जय श्री शेनॉय, और मैं डाउनटाउन सीलैंड से पास प्रेसिडेंट हूँ, इनके पहले मैं बन चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पे जो मेडिकल कैंप है मेरे टाइम से मैंने चालू किया था, तभी हमने लेडीज़ों के लिए मेमोग्राफी किया था, और उसके बाद डायबिटीज़ चेकअप किया था, और उसके बाद जनरल चेकअप भी किया था। और दूसरी बात है, काम तो अच्छा ही होता है। ये बार जो हमने किया है, माधोबा क्लिनिक आई है, और उसमें जो अभी वो डॉक्टर ने जो बताया कि खाली ट्रीटेबल है, ट्रीटेबल नहीं है, अभी मैं खुद इसमें मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ डायबिटीज़ के लिए, जो रिवर्सेबल है, यानी एक साल का उनका पूरा प्रोग्राम अगर हम लेते हैं तो डायबिटीज़ रिवर्स होता है, जिसमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। मैं दिन की दो मेडिसिन लेती थी, अभी मैं दिन की एक ही मेडिसिन लेती हूँ, जो मेरे को डॉक्टर ने बंद करा दी। और यहाँ के कैंप में जब भी हमने पहले जो किया था, तभी मेरे ख्याल से 150 या 200 लोग किया था, ये बार हमारा टारगेट है 400। हमने तो मेहनत उतनी की है और एडवर्टाइजमेंट भी उतना किया है, बहुत लोगों को हमने बताया है कि भाई आ जाओ, अच्छा मेडिकल चेकअप होता है। और दूसरी बात है, जो आई चेकअप हम यहाँ कराते हैं, उसमें सब चेक करने के बाद जिसको मोती बिंदु है या कैटरेक का दूसरा जो प्रॉब्लम है, उनको हम एडवाइस देते हैं कि बच्चू वाली हॉस्पिटल में जाके बहुत ही कम पैसे में, उधर वहाँ पर कैटरेक ऑपरेशन होता है और वहाँ टोटल केयर लिया जाता है, तो ऑपरेशन तो फ्री होता है, खाली वो जो चश्मा देते हैं उनका पैसा लगता है। प्रेसिडेंट हमारे क्लब की हूँ, रोटरी क्लब ऑफ मुंबई डाउनटाउन और सीलैंड की, और जिस प्रश्न आपने पूछा साहब, उसके बारे में मुझे बोलना चाहिए कि आप बातें कम ज़्यादा करते हैं और दावा ज़्यादा करते हैं, वो पॉलिटिशियंस करते हैं, हम रोटेरियंस तो काम ही करने में जानते हैं, काम करना ही जानते हैं, ये मेरा कहना है। अभी तो इस टाइम तो हम सारा चेकअप कर रहे हैं, जिसमें कि मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस और ECG वगैरह, हार्ट चेकअप वगैरह सब हो रहा है, और फिर इनको एडवाइस करेंगे। और ये जो माधोबा क्लिनिक है वो काफ़ी सस्ते में ये सब की, और आगे भी वो फॉलोअप कर लेंगे, तो ये नहीं है कि एक ही बार करके हम ये काम ख़त्म करेंगे, ये उनका फॉलोअप जिनको ज़रूरत है उनका होगा। अभी तक कम से कम 6-7 पेशेंट जिनको मालूम नहीं था डायबिटीज़ है, मधुमेह है, उनका भी डायग्नोस हुआ है, उनका फिर आगे और चेकअप होगा। बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है दवाई से और एडवाइस से, बहुत कर सकते हैं, और कंट्रोल करने से जो आगे कॉम्प्लिकेशंस होता है, जैसे कि हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्रेन की कॉम्प्लिकेशंस हैं, फुट की कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सब नहीं होगी। क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है, इसको ट्रीटेबल बोलेंगे। माधोबाग जो है ये कार्डियक इंस्टीट्यूट है, माधोबाग मल्टी डिसिप्लिनरी कार्डियक केयर क्लिनिक्स है हमारे। थ्रू आउट इंडिया वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 200 क्लिनिक्स थ्रू आउट इंडिया एंड 2 हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग हार्ट पेशेंट्स ट्रीट करते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, वेट गेन है, मतलब जो रिस्क फैक्टर्स है कार्डियक डिसीज होने के, वो रिस्क फैक्टर्स को हम ट्रीट करते हैं। और जो भी हार्ट डिसीज़ है वो पूरा रिवर्स किया जाता है, डायबिटीज़ रिवर्स किया जाता है यहाँ पे बाय ऑलमोस्ट आयुर्वेदिक कम्प्लीटली पंचकर्म ट्रीटमेंट्स। हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट्स देते हैं सारे पेशेंट्स, ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स से ये चल रहा है यहाँ पे, हम लोग डायबिटीज़ रिवर्स कर रहे हैं। अभी ECG में अगर ब्लॉकेजेस भी हो पेशेंट्स में, तो ब्लॉकेजेस भी रिवर्स किया जाता है, उसके लिए हम अलग अलग डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं हमारी क्लिनिक्स में, मतलब मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हैं, एंड इवन बाय आयुर्वेदिक पंचकर्म ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। 100% रिवर्सिबल है, हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्टडीज़ है जिसमें हमने पेशेंट्स के डिसीज़ रिवर्स किया है, और हमारा यही विजन है कि हमको इंडिया को ये हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज़ फ्री करना है। वी आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, वी आर लोकेटेड इन गुजरात, कर्नाटका, देन मध्य प्रदेश, दिल्ली। वी आर स्टार्टिंग अभी महाराष्ट्र में, हमने स्टार्ट किया था तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ये हार्ट डिसीज़ एंड डायबिटीज़ के पेशेंट्स है, तो महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट वी आर हैविंग इन ऑलमोस्ट ऑल दिस सिटीज़ वी आर हैविंग अ क्लिनिक्स। सब्सक्राइब कीजिए आवाज़ नेशनल न्यूज़, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे न्यूज़ अपडेट